वन तो स्वागत है आपका। आज देख रहे हैं आप मेरे साथ बीएससी केमिस्ट्री पार्ट वन 2024 का क्वेश्चन पेपर है, पेपर सेकंड, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इस बार केमिस्ट्री को ऐसे दो पेपर बना दिए हैं, इसमें इनऑर्गेनिक शायद नहीं होगा। फिजिकल केमिस्ट्री देख लीजिए, कल मैं अपलोड करी थी पार्ट वन का, ये सेकंड पेपर है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया है, यूनिट फर्स्ट से आया है। नाभिक स्नेही एवं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों के अच्छा को उदाहरण सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अभिक्रिया मध्यवर्ती से क्या तात्पर्य है? मुक्त मूलक कार्बोकेटायन एवं कार्ब एनायन की संरचनाओं का वर्णन कीजिए। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया है, कार्बोक्सिलिक वाला आया है, ठीक है, COOH लगा है, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लीयता का क्रम लिखिए, हाइड्रोकार्बोक्सिलिक, ठीक है। ये नाइट्रिन क्या है? एकल एवं त्रियक नाइट्रिन की संरचनाओं को समझाइए। विलोपन अभिक्रिया क्या है? E1 क्रियाविधि को समझाइए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आए हैं। अगला क्वेश्चन है इस तरह से, CH3C6H5 CH2C6H5, इसमें होल 2 CHM C6H5 पे बेंजीन के लिए है। 3 मुक्त मूलकों का स्थायित्वता का क्रम लिखिए, जिनका स्थायित्व है उस क्रम में लिखना है, ठीक। यूनिट सेकंड से क्वेश्चन कुछ इस तरह आए हुए हैं। सममिति के तत्वों का वर्णन कीजिए, प्रकाश सक्रियता से सममिति का संबंध बताइए। निम्नलिखित यौगिकों के लिए समूहों की प्राथमिकता क्रम देते हुए R1 एवं S विन्यास लिखिए। अच्छा, ये R और S है, कुछ इस तरह से है। देखो ऑडियो वीडियो क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, आप ये भी बताएं मुझे। आगे का क्वेश्चन है, ज्यामितीय समावयता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये ब्रोमीन के लिए आया है, ठीक है, ये वाला। स्टीरियो स्पेसिफिक तथा स्टीरियो सेलेक्टिव संश्लेषण को उचित उदाहरण देकर समझाइए। एरिथ्रो एवं थ्रियो रूपों को उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। असममित कार्बन परमाणुओं से क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण दीजिए। एल्कीन के ओजीनो अपघटन को समझाइए। मार्कोनिकॉफ नियम क्या है? इसका स्पष्टीकरण कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, CH2CH2 प्लस BR2 किस तरह से बनेगा आगे? ये द्रव अमोनिया के लिए है, ठीक है। एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण को समझाइए। सांद्र H2SO4 के द्वारा एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। हाइड्रोजन सल्फोनेट। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन निर्माण की कोई दो रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। यूनिट 4 से आया है, बेयर तनाव सिद्धांत को समझाइए। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। निम्नलिखित में से एरोमेटिक यौगिक की पहचान कीजिए। समूह के दैशिक प्रभाव से क्या तात्पर्य है? OH समूह के O व P मतलब आर्थो और पैरा दैशिक प्रभाव को समझाइए। साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी संरूपण में अक्षीय एवं निरक्षीय बंध का वर्णन कीजिए। हक्कल नियम को संक्षिप्त में समझाइए। यूनिट 5 से आया है, औसत वेग वर्ग माध्य मूल वेग तथा प्रायिकतम वेग की अच्छा को समझाइए। इनका आपस में संबंध बताइए। आगे है, वास्तविक गैस के लिए वंडरवाल समीकरण उत्पन्न कीजिए।
क्वेश्चन कुछ इस तरह है। अगला क्वेश्चन, माध्य मुक्त पथ क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 27 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन का वर्ग माध्यमूल वेग तथा औसत वेग परिकलित कीजिए, दिया हुआ है, इस हिसाब से आपको करना है। यूनिट 6 से आया है, विभिन्न प्रकार के अंतराणुक बलों की व्याख्या कीजिए। इंटरमॉलिक्युलर फोर्स, स्वर्ण संख्या पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ नोट अ गोल्ड नंबर। यदि वाइस अंक 2:4:3 हो तो मिलर अंक ज्ञात कीजिए, अथवा में आया है ब्रेक समीकरण उत्पन्न कीजिए, क्रिस्टलीय संरचना के निर्धारण में इसकी भूमिका बताइए। आगे का क्वेश्चन है, द्रवों के गुणों की व्याख्या कीजिए, पायस क्या है, एक उदाहरण दीजिए। हो गया क्वेश्चन कुछ इस तरह से, आपने देखा है। देखो भाई, आप देख रहे हैं और काम आगे कुछ नहीं कर रहे हो मेरे लिए, वीडियो को फैला दो। और ऐसे भी प्राणी हैं कि मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रही हूँ उसमें पोस्ट किए हैं कि चैनल बंद करो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इस पर भी पोस्ट किया हुआ है, देखो महान आत्मा हो आप लोग, धन्यवाद। डीमोटिवेट करने के लिए भी धन्यवाद और मोटिवेट करने के लिए भी धन्यवाद, ठीक है।